कुछ लोग नाखुश भी है इन सरकार से, क्योंकि इन सरकार में बेरोजगारी के मुद्दे को यह कवर नहीं कर पाए। दंके चोट कर रहे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, जो कि विकास की मुख्य धारा से अभी भटके हुए थे, अब डायरेक्ट उनकी लखनऊ तक के लिए सड़क बन गई है, पहुंच उनकी आसान हो जाएगी। और काम तो बहुत अच्छा किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ने बना के। नमस्कार, मैं अरविंद झा, R24 न्यूज पे आप सभी का स्वागत करता हूं। सिटीजन हाउसिंग प्रेजेंट जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जनता की आवाज में हम उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा करते हैं। उसी चर्चा के दौरान आज हम पहुंचे हैं भारद्वाज पार्क, प्रयागराज का ये भारद्वाज पार्क बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत पार्क है। और इस खूबसूरत पार्क में हम आज खूबसूरत लोगों से बात करेंगे कि वो किसको जिताना चाहते हैं। भारद्वाज पार्क में हमें एक सज्जन मिले हैं, अब उनसे जानते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनका क्या कहना है, किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, अब इनसे ये जानते हैं। भैया आपका नाम क्या है? सूरज चौबे सर। सूरज चौबे, तो अभी हाल फिलहाल में विधानसभा चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या लगता है किस बार किसकी जीत होगी? योगी की जीत होगी सर। योगी जी, योगी जी की जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। दंके चोट कर, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप कहाँ से आए हैं? बनारस से। अच्छा, बनारस जहाँ पे सांसद है, जहाँ के सांसद है प्रधानमंत्री जी मोदी जी, तो आपको क्या लगता है कि योगी जी ने 4.5 सालों में क्या काम किया है, क्या अच्छा काम किया है कि फिर से उनको चुनने वाले हैं? सर वो तो क्या उनको कम ज़्यादा बताया जाए, कमी है उनके लिए काम, क्योंकि सर इस समय देखिए तो हाईवे जो बना हुआ है बनारस जो आ रहे इलाहाबाद के लिए, उन लोगों के लिए सुविधा बढ़िया हो गई है, और जो गाँव से सर पक्का मकान सबको मिल रहा है सर, और शौच ये वगैरह सब, यही सब सर है पूरा। अखिलेश यादव भी तो दावा कर रहे हैं वो जीत जाएंगे, और बहुत कुनबा बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों से गठबंधन कर रहे हैं सर। उनका खाली कहना है, वो कुछ किए नहीं 4 साल में। जो सामने घाट बना, जो सामने घाट का पुल बना था सर, वो अभी तक सर कंप्लीट नहीं हुआ था, 3 साल पूरा हो गए। योगी जी जब आए तो सब पूरा कंप्लीट हुआ। वो अभी जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, क्या उसका भी फायदा योगी जी को मिलने वाला है? बहुत बढ़िया सर, फायदा मिलेगा उसमें इंटरनेशनल वाले में, और फिल्म सिटी सुविधा सर मिलेगी इसमें, और उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है, इससे आप लोग कितना खुश हैं? सर इससे तो और बेहद खुश है। जो रोजगार जब बॉम्बे में मिलता था, अब आपके नोएडा में, दिल्ली में मिल जाएगा, प्रयागराज में भी मिल रहा है आपको। मतलब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हो रहा है सर इस बारे में। जी। तो आपका ये मत है कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले? हाँ सर, योगी जी बनेंगे और हमेशा रहेंगे, हम तो चाह रहे 27 तक रहे वो। अच्छा 27 तक। धन्यवाद। इस पार्क में अभी हमें एक स्टूडेंट मिले हैं, तो इन लोगों से पूछते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और इन लोगों का क्या राय है। तो क्या नाम है आपका? सर सविंद्र पाठक। सविंद्र पाठक जी सर। कहाँ से हैं? सर गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से यहाँ इलाहाबाद आए? जी सर। जी सर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? जी सर। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? BSc कर रहे हैं सर। BSc किस कॉलेज से? सर कुलभास्कर आश्रम PG कॉलेज। अच्छा, तो ये बताइएगा कि राजनीति में तो आपका इंटरेस्ट होगा? जी सर जरूर कुछ है, क्योंकि यह देश से रिलेटेड है, तो हमारा इंटरेस्ट इसमें जरूर होगा। हाँ जरूर होगा। तो ये बताइए कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है जी 2022 में होने वाला है, और चुनाव बहुत जल्द आने वाला है, तो इस बार आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी? सर कन्फर्म तो नहीं कर सकते कि किसकी जीत होगी, बट जो वर्क इस सरकार ने किया है या फिर इस सरकार का जो कानूनी रवैया है, इसको देखते हुए तो इनकी उम्मीद हमें ज़्यादा लगती है। बट कुछ लोग नाखुश भी है इन सरकार से, क्योंकि इन सरकार में बेरोजगारी के मुद्दे को यह कवर नहीं कर पाए। सो इसलिए कुछ स्टूडेंट्स और लोगों की नाराज़गी है, क्योंकि वैकेंसी सर आ नहीं पाए, इसीलिए थोड़ी नाराज़गी है। बट इन्होंने जो काम किया है कानून व्यवस्था को लेकर या विकास को लेकर या हमारा जो इस पे FDI आ रहा है, यानी कि डिफेंस कॉरिडोर में जो विदेशी कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, सब को लेकर हमारा भविष्य काफ़ी उज्जवल हुआ है। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो गया आदि, सरकार ने काफ़ी मतलब विकास किया है। सरकार ने काफ़ी क्षेत्रों में विकास किया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा से जुड़े हुए रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा कम हुआ है, जिसकी वजह से आपको इसके लिए नाराजगी है। ये एक मुद्दा हो सकता है कि सरकार को इसमें थोड़े से मत कम मिले, लेकिन सरकार योगी की बनेगी, ऐसा आप मानते हैं? जी सर, क्योंकि कानून व्यवस्था इनके राज्य में काफ़ी अच्छी है।
अच्छा, कानून व्यवस्था अच्छा है और अभी जेवर में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है। जी सर। और आपके उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है। जी सर, फिल्म सिटी का निर्माण भी हो रहा है। तो लेकिन अखिलेश भी तो दावा कर रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे और पूरा वो गठबंधन बना रहे हैं सभी लोगों के साथ मिलके। सर, दावा करना, सारी पार्टी अपनी दावा करते हैं कि हम भी अपना सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस अपना कहती है, आम आदमी पार्टी अपना कहती है, मतलब अपना सब अपना अपना एजेंडा होता है, सब अपना दावा करते हैं। क्योंकि कोई पार्टी का ऐसा नहीं कह सकती कि हमारी सरकार नहीं बनेगी, ये तो उनका कर्तव्य है कि हमारी सरकार बनेगी। बट सरकार उसकी बननी चाहिए या उसकी बनती ही है जो कार्य करता है, विकास करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक और विद्यार्थी है, आपका नाम क्या हुआ? सर्वेंद्र विक्रम सिंह। सर्वेंद्र विक्रम सिंह, कहाँ से आए आप? ये अमेठी से। अमेठी से आप भी यहाँ पे रहते हैं? जी सर। यहीं पे रह के पढ़ाई करते हैं? एसएससी तैयारी करते हैं। किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं? एसएससी की। एसएससी की तैयारी करते हैं, किसी कोचिंग से करते हैं? जी, दस्तक कैरियर कोचिंग से। अच्छा, तो कैसे पढ़ाई लिखाई का क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में? शासन सही है, मतलब पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है यहाँ पर इलाहाबाद में खासकर, यहाँ पर सही है। और योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम भी किया। देखो, नाराज़गी क्या है ना, कुछ लोग सरकार से नाराज़ भी होंगे, कुछ लोग सरकार से मतलब उनसे खुश भी होंगे। अगर हम कोई काम करते हैं तो कुछ लोग उस काम से नाराज़ भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। सरकार ने अच्छा काम किया है, बस थोड़ा ये है इन्होंने बेरोजगारी के क्षेत्र में थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इनको ध्यान देना। तो खास करके युवा वर्ग को और जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इनको क्या लगता है कि योगी जी अगर इस बार आएंगे 2022 में जीत के, तो इनके रोज़गार में कितना इजाफा होगा? हो सकता है ये अबकी बार ध्यान दें। बेरोजगारी तो थोड़ा है ही है, लेकिन हो सकता है योगी जी अगर अबकी बार आएँ तो बिल्कुल ध्यान देंगे। मुझे आशा है इस बार आएंगे, वो कंफर्म है, क्योंकि अमेठी से आया हूँ, मुझे पता है थोड़ा कि वहाँ का लगाव कैसा है, लोग कैसे बात करते हैं वहाँ पर। अधिकतर तो मुझे लगता है बस इनको जब भी आएँ तो ध्यान दें, थोड़ा बेरोजगारी पर ध्यान दें। युवा बहुत ही निराश हैं। अच्छा, युवा बहुत ही निराश है, बीच में 2 साल का कोरोना काल भी रहा है, पढ़ाई लिखाई भी खराब हुई है। इस पार्क में घूमते हुए मुझे एक भाई मिले हैं, अब इनसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें किसकी जीत लग रही है, कौन जीत सकता है इस बार का युद्ध। तो भैया, आपका नाम क्या है? जी, सौरभ त्रिपाठी नाम है मेरा। सौरभ त्रिपाठी, कहाँ से आए? जी, सांसों से आए हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ पे सर हम आए थे स्कैनिंग, मतलब हमारी सिस्टर की तबीयत खराब थी तो उनको दिखाने आए थे, तो रिपोर्ट अभी मिली नहीं है, 2 बजे मिलेगी, तब तक हम पार्क में आए हुए थे। तो आपको जैसे पता होगा कि अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, तो इसमें आपको क्या लग रहा है, इस बार बहुत ही तैयारी में सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही थी, इस बार किसकी सरकार बनेगी? जी, बीजेपी की हमें बनती नजर आ रही है। अच्छा, हाँ, बीजेपी की सरकार, आपके हिसाब से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, मतलब योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो योगी जी ने 4.5 सालों में ऐसा क्या काम किया है कि आपको लगता है कि फिर से योगी जी की सरकार बनेगी? जी, इन्होंने काम तो अच्छा किया है, सड़क पे काम अच्छा किया है, बिजली पे काम अच्छा किया हुआ है, और सुशासन भी ठीक है इनके समय में, पहले के सरकार के मुकाबले जो है इनका सुशासन अच्छा है काफ़ी, और काम तो इन्होंने किया है सर। तो लगता है कि इनका जो लॉ एंड ऑर्डर है अच्छा रहा है, और प्रदेश में जो विकास का काम है वो भी हुआ है। लेकिन युवाओं का रोजगार के मामले में थोड़ा सा मैंने जब जहाँ तक बात की है तो उसमें लगता है कि युवाओं की नाराज़गी है इस बात से कि जो रोज़गार है उस तरह से नहीं मिल पाया युवाओं को। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इनकी सरकार में रोज़गार तो मिला हुआ है। आप देखिएगा, इससे पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव जी की, में उसमें पुलिस की वैकेंसी उतनी नहीं निकली थी, इन्होंने एक बार 42,000 निकाला, उसके बाद 49,000 भी पुलिस की भर्तियाँ आई थी, तो रोज़गार तो उन्होंने दिया सर। अभी देखिए, इसमें लेखपाल की भी वैकेंसी अभी निकाला तो नहीं है, खैर आ रही है सुनने में निकालेंगे, रोज़गार भी दिया हुआ है, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत इनको और अच्छा करना चाहिए रोज़गार के मामले में और अच्छा करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ जनसंख्या है, और जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें कुछ गड़बड़ हुआ था, तो इसके विषय में क्या कहेंगे? जी, इसके विषय में तो हम क्या कहें, गड़बड़ तो हमने भी सुना था हुआ है, अब सरकार को चाहिए इसकी निष्पक्ष जाँच कराएँ और देखें कहाँ गड़बड़ हुई है, जहाँ गड़बड़ हो सुधारें। और उधर पूर्वांचल में जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है उससे कितना लाभ होगा आप लोगों को और योगी जी को कितना लाभ मिलेगा? जी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पूर्वांचल के कई ज़िले ऐसे थे जो कि विकास की मुख्य धारा से अभी भटके हुए थे, अब डायरेक्ट उनकी लखनऊ तक के लिए सड़क बन गई है, पहुंच उनकी आसान हो जाएगी, और काम तो बहुत अच्छा किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इन्होंने बना के। मेरे साथ एक और युवा है, अब इनकी राय जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें इनकी राय क्या है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, किसकी बनेगी सरकार। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार जी, आप क्या करते हैं?
कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं, कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में। 11th में कॉलेज जाते हैं? यस। तो पढ़ाई लिखाई करके क्या बनना चाहते हैं? कुछ नहीं, तैयारी करते हैं या आर्मी यही सब। अच्छा, आर्मी सब की तैयारी करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी रुचि है राजनीति में? नहीं, राजनीति में मेरी रुचि नहीं है। लेकिन लोगों से तो सुनते होंगे ना कि किसकी सरकार बनेगी, किसका पलड़ा भारी है? सरकार तो हमारे खोज बनना चाहिए, अखिलेश की। अखिलेश की बननी चाहिए सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जी, क्योंकि हमको, हम लोगों को, हम लोग गरीब आदमी हैं, गांव से हैं, हमको उनसे लाभ है। ठीक है, रोजगारी ये सब के लिए हमको उनसे लाभ है। तो आपके हिसाब से अखिलेश की सरकार बननी चाहिए, अखिलेश की सरकार क्यों बननी चाहिए और अखिलेश की सरकार योगी सरकार से क्यों बेहतर हो सकती है, आप बताइए। योगी सरकार से यह बेहतर हो सकती है क्योंकि जो गांव में गोरू भैंस हैं ये सब किसानी नहीं हो पा रहा है ठीक से। जब से योगी सरकार आई है तब से किसानी नहीं हो पा रहा है ठीक से, और पढ़ाई बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, यही सब बात है और कुछ नहीं। मेरी कहना है, मेरा कहना है कि योगी बार सपा की सरकार बने, अखिलेश जी आएंगे तो ये सब अच्छे से करेंगे। 2012 तक अखिलेश की, 2012 से 2017 तक अखिलेश की सरकार थी, उस सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उस सरकार के बारे में क्या हुआ है, जो हुआ है सब जानते हैं, जनता लोग सब जानते ही हैं। तो उस वक्त जो 5 सालों की सरकार थी, उस वक्त अखिलेश जी ने पूरे राज्य में अच्छा काम किया था, आप लोगों को अच्छी नौकरी मिली थी, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। तो फिर से अखिलेश जी आएंगे तो फिर ऐसा ही होगा, वैकेंसी निकलती है उनके आने पे, बच्चे परेशान रहते हैं, किसान के बच्चे परेशान रहते हैं, किसान खेती नहीं हो पाती, ये सब किसान इससे मतलब मजदूरों सब बेकार हो जाते हैं, उनकी खेती नहीं हो पाती, खेती सब बेकार हो जाती है जब योगी सरकार आई है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।